हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें आप जानते हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके पूरे सिलेबस को आपको कवर करा रहे हैं, ताकि आपका सी सेट बहुत अच्छा जाए और बाकी जो आपके पीएससी जो होने वाले हैं वो भी एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे रहे। ये आप जानते हैं कि हम एमसीक्यू के माध्यम से इसको क्यों लेके आ रहे हैं। एक तो ये है कि अभी क्या लेवल का देखेंगे, पेपर बहुत हाई हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पिछले पेपर्स को देख के और अपकमिंग पेपर में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, वैसे हमने सिर्फ बहुत चुनिंदा क्वेश्चनों को समावेश किया है और आपको उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है, ताकि आपको उस प्रकार से और क्वेश्चन भी हैं तो वो आपसे आसानी से बन जाए। ठीक, जो आज का टॉपिक है वो आपका मिसिंग कैरेक्टर है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसिंग कैरेक्टर किसी भी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि जो सी सेट है वो आपका रीजनिंग लॉजिकल वे पे डिपेंड होता है, और लॉजिकल में क्या होगा, आपका लॉजिक कुछ भी लग सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा नंबर्स के, अल्फाबेट के, आपको उसको स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, आपको ये वैरायटी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जो लॉजिक देख के आपको समझना है कि वहां पर क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर लिखा 5, 4, 3 और यहां पर 19 लिखा, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे आपका सीक्वेंस होता है, ये आपका क्या होता है, डब्बे के रूप में होगा, ये वाला होगा, या फिर आपका 4/3 आपका ये इस तरीके से होता है, ये वाला होता है, सर्कुलर वाला होता है आपका, उसके बाद आपका वाई शेप वाला होगा, या फिर आपका ट्रायंगल शेप ये इस तरीके का हुआ आपका। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे ये वाला कर रहे हैं, आप ये वाला कर रहे हैं, इस टाइप वाला 3/3 वाला किए या 4/3 वाला किए, तो इसमें यहां पर क्या होता है कि कोई सा एक डब्बा जो होगा, कोई सा एक डब्बा का जो स्लॉट होता है ना, उस स्लॉट से क्या करेंगे हम, एक पैटर्न को, एक रूल को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो पैटर्न और रूल को आइडेंटिफाई किए हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को मिला के देखेंगे, और अगर वहां पर फिट बैठ रहा है, इसका मतलब द लॉजिकल व्हाट वी यूज इज करेक्ट, और उसी को अप्लाई करके जो हमारे पास मिसिंग टर्म होगा, अननोन टर्म होगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, वो हम वहां पर क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा होता है। मान लो सपोज ये आपका 5, 4, 3 और यहां पे 19 दिया, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसका क्या हुआ कि हम लोग को ये तीन को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, कोई ना कोई लॉजिक लगा के आपको ये आंसर आपको लेके आना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैं यहां पर देखा तो 5 × 3 क्या हुआ, 15, 15 प्लस 4 किया तो यहां पर कितना हो गया, 19 हो गया आपके पास। ठीक है, तो सेम वे इस तरीके से यहां पर क्या होगा, अगर सपोज मैं 2, 1 और यहां पर बोल दिया 36, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 1 और 3 तीनों को यहां प्लस किया, बना यहां पर 6, और 6 का स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो लॉजिक आपको कुछ भी हो सकता है, इसीलिए रीजनिंग आपको इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर क्या करेगा आपके जो मेंटल गेम्स है वो आपको वहां पर खेलेगा, वहां पर दिखाएगा कि आपको वहां पर कौन सा लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के साथ में इसकी वैरायटी भी समझते हैं। ठीक, ये आपका क्या क्या होता है, ये आपका अल्फाबेट की सीरीज में देगा या नंबर की सीरीज में देगा, या अल्फाबेट और नंबर का सीरीज आपके पास भी आपका दे सकता है। तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए और यहां देखिए अननोन टर्म में यहां पर क्या आएगा। ठीक, साथ में ट्राई करेंगे, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं बनाऊंगा किस तरीके से होगा। ये आपको दिया BGN, DJR और GN और हमने को डैश दिया। तो जब ये अल्फाबेट भी आएगा ना, इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि एक तो आप ABCD पूरा लिख लो। ठीक है, पहला काम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। एक तो तरीका ये कि आपने अल्फाबेट से जाना, आसान तरीका क्या पड़ता है आपका, नंबर का तरीका आपका आसान पड़ता है, क्योंकि नंबर्स देख के आपको रिलेशन बनाने में इजी होते हैं। तो B को अपन देखे तो B यहां पर क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक, G को देखे तो यहां पर क्या हुआ, 7 हुआ। N को देखे तो यहां पर क्या हुआ, 14 हुआ। D को देखे तो यहां पर 4 हुआ। J को देखे तो यहां पर 10 हुआ। और R को देखे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R हमारे पास होगा 18 होगा। ठीक है, G को देखे तो यहां पर 7 होगा, N को देखे तो यहां पर क्या होगा, 14 होगा, और हमको यहां पर ये निकाल। ठीक, वी हैव टू फाइंड दिस वन। अब कैसा होगा देखते हैं। देखिए यहां पर गैप कितने का है, 5 का,
और यहाँ पर गैप कितने का है? 7 साल, 5 + 2 = 7 का गैप। यहाँ गैप कितने का है? 6, और यहाँ पर गैप कितने का? 8। 6 और 2 = 8 हुआ, तो ये गैप 8 का हुआ। मतलब सामने में जो गैप होगा ना, उसमें 2 जोड़ के हम अगला गैप निकाल ले रहे हैं। तो सेम वे यहाँ पे 7 के बाद हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 7 का गैप है, 5, 6, 7, ठीक। 7 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9, तो अगला गैप 9 का होगा, और 14 और 9 मिला के यहाँ पर क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा। और इंग्लिश में हम देखेंगे 23 में यहाँ पर क्या होता है? W, तो ये W ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको अल्फाबेट वाला देगा ना, तो उसका आसान तरीका यहाँ पर क्या होगा, आप उस अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना के देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहां पर क्या आया है। 4C2B3A28-45B7515, ठीक। अब यहां पे 2 चीज का समावेश है, आपके पास अल्फाबेट भी और आपके पास क्या नंबर भी है। तो पहले यहां पर देख लेते हैं कि 4 28 7 के, 4 7 28 हुआ और 15 × 3 = 45 हुआ। उन द सेम वे 2 और यहां पर 5 को देखें, 2 और 5 को, 2 5 कितना होगा? 10। ये तो कंफर्म, यहां पर क्या होगा? 10 होगा, और 10 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कि अगर सपोज यही 10 वाले 2 ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। तो यहां पर हम अब ये सीक्वेंस देखते हैं, ए बी सी सीक्वेंस में ए बी सी है, यहां पर ए बी सी यहां भी सीक्वेंस में है, और यहां पर ए बी सी सीक्वेंस में है क्या? यहां सीक्वेंस नहीं है, तो यहां पर सी मिसिंग है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 10 सी होगा, ठीक। हर एक स्लॉट में 4 7 28 3 15 45 2 5 10 हो गया, और स्लॉट में ए सी मिस है, तो 10 सी क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पहले बताओ, आपके पास क्या होगा? अल्फाबेट होगा, तो अल्फाबेट को नंबर ही में कन्वर्ट करेंगे तो इजी होगा आपको ना, ठीक। ए 1 हो गया, डी 4 हो गया, एच 8 हो गया, ठीक, एफ 6 हो गया, आई 9 हो गया, एम 13 हो गया, ठीक है ना भाई। यहां पे एन 14 हो गया, आर कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक। अब ये दिख गया ना, -4 -3, मतलब यहां पर 4 का गैप है, यहां पर 3 का गैप है। सेम वे देखते हैं, यहां पर 4 का गैप है, यहां पर 3 का गैप है, रिवर्स ऑर्डर में। यहां पर 4 का गैप है, तो यहां पे 3 के गैप में 14 में 3 जगह कितना हो जाएगा? 11, और 11 पे यहां पर क्या होता है? एजॉरिटी में ए बी सी एफ जी एच आई जे के, जे के है ना, 11 पे के होता है, तो के हमारा आंसर, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपके पास कम लेके हैं, लेकिन आपके बहुत काम के लेके हैं। पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे और अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से क्या क्या पूछ सकते हैं, तो सेम ये तो आप देख लेंगे, बना लेंगे, है ना। पी का पोजिशन 16, टी का पोजिशन 20, दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड। ओ का पोजिशन 15, एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू 16 के बाद 17, और S क्या हो जाएगा? 19। नाउ द M 13 14, और R कितने पे होगा हमारे पास? OPQR ना, R कितने पे होगा हमारे पास? 18, ठीक है। M है ना, ठीक है भाई, सही है, 2 का है। P का पोजीशन कितना हो जाएगा? OP 16 नंबर पर है, ठीक है, OPQ ये 17 होगा ना, सॉरी, ठीक है। P हो गया 16 नंबर पर, T हो गया 20 नंबर पर, डैश हमको फाइंड करना, O हो गया 15 नंबर, एजॉरिटी के हिसाब से OPQ 16 हो गया, ST ये भी सही है, M ये 13 नंबर पर,
ठीक है भाई, है ना, ये 13 नंबर पर, और ये तुम्हारा एन कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, और आर है 18 नंबर। चलो लॉजिक का देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है भाई, लॉजिक देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हम देखें तो गैप कॉमन है, देगा अभी तक इससे पहले क्या हो रहा था, देखो यहां पे सीक्वेंस ऐसा चल रहा था, ठीक है ना, अब सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। यहां पर क्या चल रहा है, तीन तीन का गैप है, ये सही है, यहां पर दो और एक का गैप है, लॉजिक ऐसा फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। यहां पर अपन देखें तो यहां पर कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहां देखें तो 16 17 में एक का गैप है, 17 18 में एक का गैप है, ठीक है, 13 से यहां पे कितना, 13 17 में चार का गैप है, 17 और चार यहां पर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है, एक तो ये होगा, 21 पे कौन सा आ रहा है, 21 पे पी क्यू आर एस टी यू यू, हाँ तो यू हमारा आंसर होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्यों, क्या होता है कि इस टाइप के सीरीज में क्या होता है कि हम बहुत बार क्या होता है कि इस जगह अटक जाते हैं कि सीक्वेंस सीक्वेंस या तो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है ना, सीक्वेंस आपको ये वाला रहेगा या सीक्वेंस आपके पास ये रहेगा। आपने यहां पे क्या किया, दोनों तरीके से सीक्वेंस को मिलाया, ठीक, यहां हमको सीक्वेंस ऐसा वाला मिला, अब जब आप यहां पे आए तो आपने सीक्वेंस को यहां पर भी मिलाने का कोशिश किया और यहां पर भी आपने मिलाने की कोशिश किया, तो एक जो सीक्वेंस है प्रॉपर वे में फॉलो करेगा, द फर्स्ट वन आप ऐसा देखेंगे, सेकंड वन आप ऐसा देखेंगे, आपको दोनों में नहीं मिलेगा, नाउ द थर्ड वन आपको डायगोनली आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से और इस तरीके से, ये आपका थर्ड पैटर्न होता है। तो यहां पे 13 17 और यहां पर क्या होगा 21, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसलिए क्वेश्चन के वैरायटी सारे लेके आया हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रायंगल फॉर्म में है, अच्छा ये याद रखना, जब भी ट्रायंगल फॉर्म होगा ना तो ये जो बीच का नंबर होता है, ये जो बीच का नंबर होता है, ये नंबर जो बीच का हो रहा है, ये जो नंबर बीच का हो रहा है, ये इन तीनों का रिजल्टेंट होता है ना, याद रखना, ठीक, ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। अब 5 4 3 को अपन 19 कैसे बना सकते हैं, हमने स्टार्ट भी इसी से किया था, जब मैंने आपको स्टार्ट किया था समझाने का, हमने इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि 5 4 3 को 19 कैसे बना सकते हैं। तो 5 5 into 3 प्लस 4 किया तो 15 प्लस 4 रिजल्टेंट क्या आ गया, 19। चलिए हमने यहां पर क्या किया, रोल को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसी को यहां पर मिला के देखते हैं, ठीक, 6 4 6 into 4 24 into 4 plus 5 तो तरीके सारे को याद रखना भाई, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 और डैश, ठीक है, 4 5 6 2 3 7 1 8 3 और यहां पे 21, ठीक। अब यहां पे 21 सबसे बड़ा नंबर है, 91 सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब 4 2 और 1 को 21 बनाना है भाई, ठीक है, बना के देखो 4 2 1 को 21 कैसे बनेगा, देखो देखो देखो, देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, प्लस के तो 21, ठीक, अब इसको मिला के देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, प्लस करेंगे तो क्या 98 आ रहा है। अच्छा एक और चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम हड़बड़ी में रहते हैं,
कभी ऐसा हड़बड़ी मत करना कि आपने यहां से एक रूल आइडेंटिफाई किया ना और आपको लग रहा है कि वो रूल फिट बैठ रहा है, तो आप डायरेक्टली कहां गए, अननोन में आ गए। जो भी आपको जिस जगह रूल मिलेगा ना, तो डेफिनेटली आप उसको सेकंड तक में जाइएगा और वहां मैच करिएगा, जब होगा बराबर तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, प्लस कर लेते हैं 18 और 6, 24 का 4 हासिल 2, 2, 3, 5, 4, 94, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। थ्री 16, 81, 406 डैश और बीच में दिया हुआ है 5। बीच में आपका 5 दिया, इसका मतलब यहां पर 5 का सभी से कुछ ना कुछ संबंध होगा, ठीक है। चलिए 3 × 5 + 1 बिग ऑन था 16, ठीक। 16 × 5 + 1 बिग 81 × 5 + 1 406 × 5 + 1 तो मल्टीप्लाई किए तो 2030 आ गया, है ना, प्लस 1 किए तो 2031, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। कैसा आया एक बार देख लीजिएगा, 406 × 5 + 1 = 2030 + 1, तो ये हमारा आंसर, ठीक। लॉजिक पकड़ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपने लॉजिक पकड़ा तो आपका दिक्कत आपका आधा खत्म हो गया। तो फर्स्ट वो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको लॉजिक पकड़ना आपको सीखना। अगला क्वेश्चन, इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सर्कुलर ऑर्डर में चलते हैं, 7 से 16 का रिलेशन देखेंगे, फिर 16 से 34, 34 से आगे का और उसी में चलेंगे, ठीक। देखिए 7 से 16 कैसे बन सकता है, इंटू टू प्लस 2 मिल गया 16, इंटू 2 प्लस 2 मिल गया 34, इंटू 2 प्लस 2 34 इंटू 2 68 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए खतरनाक लॉजिक लगा है इसमें, एकदम खतरनाक लॉजिक लगा है भाई इसमें ना, 42, 44, 38, 23, 55, 28, 37 - 39। गैप कितने का है 4, ठीक। यहां पर गैप कितने का है 5, यहां पर गैप कितने का है 2 का। अब यहां पर गैप 4 का है, 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 11 × 2 तो क्या हो जाएगा 20। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर जो गैप होगा ना एक कॉमन मल्टीपल होगा या कॉमन यहां पर क्या होगा डिवाइड वाला होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में देखा बहुत से बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन में रहे हैं,
ठीक है। हम कोशिश करते हैं ऐसा बनाने का 11, 6 और 8, यहां पर गैप कितने का है 5, ठीक है ना। चलो यहां पर गैप कितने का है 5 और यहां पर क्या है -5 + 2। तो यहां पर अपन देखें कि -5 + 2 तो 17 में से 5 गए तो 12 हुआ, 12 में से 2 प्लस गए तो 14, लॉजिक वे में देखें। लेकिन इसको आगे भी तो देखना है ना भाई, यहां पर गैप कितने का है, यहां पर गैप जो है ना ये वाला गैप कितने का है +11 और यहां पर गैप कितने का है यहां पर ये -15। तो गैप अनिबन मिल रहा है, मतलब सीक्वेंस आपका ये वाला तो नहीं बनेगा, ये हम जो सोचना है ऐसा ये तो नहीं बनेगा। तो दूसरे में आता है अपन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने इन दोनों को प्लस किया तो यहां पर क्या मिला 36, ठीक। बीच में यहाँ पे 17 है, इस 17 को माइनस कर देते हैं तो क्या मिल रहा है 19। अब इसी को यहाँ पे कोशिश करते हैं, 6 और 34 को प्लस करते हैं तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 40 और -12 किया तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 20। हाँ, मतलब जो रूल हमने पहले में आइडेंटिफाई किया वही रूल को हमने यहाँ पर सेकंड पे यहाँ पे लगाया तो हमको वही सीक्वेंस आपको मिल रहा, मतलब द रूल व्हाट वी हैड आइडेंटिफाइड इज करेक्ट। सो व्हाट विल डू नेक्स्ट, अब यहाँ प्लस किए तो कितना होगा 27, इसको अपन मान लेते हैं x, तो 27 में x माइनस किए तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 11, तो ऑब्वियसली 27 में से 11 को माइनस किए तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा 60, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन बनाया ना साथ में उसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है, और वीडियो को ध्यान देखना भाई क्योंकि 20 क्वेश्चन है आपके पास, 20-25 क्वेश्चन है, हाँ सॉरी 20 क्वेश्चन है और उसमें आपका समावेश भी आपका होगा, ठीक है। 54173-64, अब ये जो सर्कल वाला होगा जैसे यहाँ पे इसके साथ रिलेशन दिया है, याद रखना कि ये जो है ना ये जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, अक्सर ऐसा होता है ये जो होता है रिजल्टेंट होता है यहाँ पे जो होता है, ठीक, रिजल्टेंट होगा या फिर वो तीनों ना एक रूल को एस्टेब्लिश करेंगे, आपको पहचानना होगा। अच्छा 5 और 4 दिया है तो हम ये कर सकते हैं कि 5 और 4 को माइनस किए तो यहां पर कितना आ गया 1, ठीक, पहले वाले सम वो निकाल लिए। अब जब दूसरे में आएंगे ना हम वहां पे करते 7 - 3 तो नियम से तो 4 मिलना चाहिए बट नहीं मिला। हाँ, अब 4 से 64 के रिलेशन को मिला के देखते हैं तो 4 64 से किस प्रकार संबंधित है, 4 यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, हमको यहां पर दिया हुआ है 4 और हमको यहां पर दिया 64, तो मैं ये कर सकता हूं ना कि 4 का क्यूब क्या हो रहा है 64। तो वैसे मैं पहले बोला 5 और 4 में 1 का गैप है तो 1 का क्यूब भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहां पर गैप कितने का 3, 11 8 में 3 का गैप है और 3 का क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा 27, दैट मींस ये जो क्यूब वाला सीक्वेंस चल रहा है 8 में से 2 गया तो यहां पर क्या बचेगा 6 बचेगा और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 होगा, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बार क्या करेगा आपको उस जगह स्क्वायर करके भी देगा या आपको मल्टीप्लाई करके भी आपको दे सकता है, ठीक, और स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब और टेबल 1 से लेकर 20 तक का मल्टीपल टेबल, इसको पक्का याद करके रखिएगा मुंह जबानी, क्यों, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा प्लस ये आपका जो नंबर सीरीज है, जो आपका नंबर सीरीज है और मिसिंग कैरेक्टर हुआ ये वाला होगा और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो मैथमेटिक्स में होता है सिंप्लीफिकेशन का, आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना, आपको कम समय बनाना है आपको इफ यू आर गोइंग फॉर 1 डे एग्जाम, ठीक, सीसेट में तो आपको बहुत सारा समय मिलेगा, फिर भी अगर आप मान लीजिए साथ में उसका व्यापम देख रहे हैं तो ये सब चीजें भी नेसेसरी हो जाती हैं।
ठीक। अगला क्वेश्चन, ये 125, ये 192, ये 56, ये आपका बहुत बड़ा है ना, तो वहां पर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, उनका क्या होगा, 125 जो सबसे लास्ट में दिया वो उनका रिजल्टेंट होगा। यह हो सकता है कि इन चारों के मध्य में कुछ ना कुछ संबंध बने, 1 5 25 125 312 और क्या दिया है 192। सेम सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है 7 14 28 और 56। इंटू टू मतलब एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर वो क्या है 2। इंटू फाइव 25 125 125 125 125 125। मतलब कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर देखिए 3 और 12 यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 हुआ, तो 12 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 192 हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, 3 15 4 7 38 5 3 5 3 4 15 कैसे ला सकते हैं, इसको इससे इंटू किए और उसमें 3+ किए, इसको इससे इंटू किए बीच में 3+ कर दिए, तो जब इसको इससे इंटू किए और बीच में 3+ किए तो 3 5 15 15+3 क्या हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तब आपके लिए बहुत आसान है, 525 24 864, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, रिलेशन देख रहे हैं अपन लोग, यहां पर स्क्वायर 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 तो स्क्वायर तो क्या होगा 1। ठीक है, आपने देखा और साथ में क्या किया, आपने नंबर्स को लिखने चालू किया। ठीक है, एफ 6 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, के 11 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, 6 + 9 = 15, 10 + 1 = 11, 13 + 5 = 18। ठीक है ना, अभी से बता रहा, जब भी आपका अल्फाबेट है ना उसको नंबर में लिख लेना, बहुत आसान होगा क्योंकि आप नंबर से बहुत जल्दी आप जज कर लेते हैं कि क्या अगला आएगा, क्या सिस्टम बनेगा। ठीक है, 18 पे क्या होता है, पी क्यू आर एस आर, फोर 9 20 43 90 और सर्कल। ठीक है, रिलेशन है 4 से 9 9 से 20, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 4, इंटू 2 + 5, नाउ द नेक्स्ट वन,
बीच में आठ लिखे आना है ना, ये 16 हुआ, ये 6 हुआ, 16 में 6 गया तो क्या हो जाएगा, 10, आपको 10 यानी 8 चाहिए, तो मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक। अच्छा अपन ये करके देखते हैं, 11 4 15, 5 और 2 7, 15 में 7 गया तो 8, यस ये मिल रहा है। अब यहां इसको देख लेते हैं, 20 और 10 30, 8 और 6 14, 30 में से 14 गया तो 16 सही है, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, 3 और 6 कितना होगा 9, 3 में से 9 गया, 23 में से 9 गया कितना बचेगा 14, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू 28, इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर तो इंटू फाइव 6, ऑटोमेटिकली इंटू 6 में चला गया और ये इंटू 7, ठीक है। सॉरी ये देखिए, प्लस करिए 35, ये दोनों प्लस करके ये माइनस में, ये दोनों प्लस करके ये माइनस में, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस आठ, सॉरी एक्स प्लस आठ माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये होना चाहिए, ठीक है सही है, तो x माइनस 2 बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई ना, लॉजिक आपको सार लगाने पड़ेंगे, खतरनाक क्वेश्चन है, दस का गैप है दो का गैप है, दस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, यहां देखिए कितने गैप है, यहां पर अगर मैं देख रहा, ठीक 32 में कितना गैप हो जाएगा 15, और ये भी फिट नहीं बैठा उसके हिसाब से, अगर मैं वो देखा तो है ना, ठीक है इनटू प्लस माइनस में कुछ देखा तो,
यहाँ पर भी 10 का गैप है और यहाँ पर भी 2 का गैप है, 10 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तभी 304 बनेगा। यहाँ पर देखा तो 8 का गैप है और यहाँ पर 6 का गैप है, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखा तो 4 का है और यहाँ पर देखा तो कितने का है, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है ना, ओके ठीक। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग हमारे पास हुआ 16, 8 का वर्ग हमारे पास कितना हुआ 64, 16 64 कितना हो गया 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। 23 तक हो गया है, टोटल 26 क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है, 722 5 5 9 11 9 11 15 into माइनस 45 माइनस 7 99 माइनस 22 77 into 11 165 165 माइनस 5 160, ये हमारा आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत बार पूछेगा, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कॉमन नंबर डिवाइड, ठीक है। 2 से डिवाइड किए 10 मिला, 2 से डिवाइड किए 5 मिला, ठीक आपका ये हो रहा है। ये सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई के कितना आया, इसको मल्टीप्लाई के 200 डिवाइडेड बाई 5, अच्छा ठीक है भाई। यहां भी करके देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई किए इससे डिवाइड किए, हाँ आ रहा है ठीक, 4 वन जा 4 टू जा, इससे मल्टीप्लाई किया, यहां पर x ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 48 इंटू 16 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 64, तो ये क्या हो जाएगा 48 इंटू 16 अपॉन 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। 16 एक बार में, 16 चार बार में, 4 एक बार में, 4 12 बार में, तो 12 हमारा आंसर ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, अल्फाबेट देख आपको क्या करना है, 5 1 4, जे को अपन देखे तो 10, ओ को देखे तो 15, सी को देखे तो 3, सॉरी सी को देखे तो 3, बी को देखे तो 2, ठीक है भाई ओके, डी को देखे तो 4 और जी को देखे तो अपन लोग क्या हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी 7, हम देखो ये ठीक है। चलो क्या लॉजिक लगता है देखते हैं, पहले अपन ये कर सकते हैं कि ये दोनों को प्लस किए 5 और 10 कितने कितने 15, लेकिन 1 और 3 प्लस करेंगे तो 2, नहीं वो सीक्वेंस नहीं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, 5 में से 1 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, 15 में 2 गया कितना हो जाएगा 13, और 13 में यहां पर क्या मिलेगा ये तो ना, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब इसी सीरीज को अपन लोग आगे रखेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, जो वीडियो आपको बताया ना, वीडियो आपके ना बहुत कॉम्पैक्ट बन रहा है और काम के बन रहा है विद कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपका जब सी सेट का पेपर होगा और आपको जो सीजीपीएससी प्री का पेपर होगा ना, कम समय में आप बहुत ज्यादा कवर कैसे करें उस पर हमने क्या किया, ज्यादा फोकस किया है, ताकि आपका समय बचे और आप बहुत जल्दी बहुत सारा चीज यहाँ पर क्या कर लें, कवर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए